आज हमें बात करनी है आपसे। जब से आप इस घर में आए हैं, हम चैन से सो नहीं पा रहे हैं। आपका घिनौना चेहरा हर वक्त हमारी आंखों के सामने घूमता रहता है। वो सब याद आता है जो आपने इस घर के साथ किया था। अपने कमरे में अकेले सो नहीं पा रहे हैं हम। लेकिन एक बात का इशारा आज हमें प्रभु की तरफ से मिला। हाँ, हमने कृष्णा का पासपोर्ट जलाकर उसे रोका। हमें डर था कि अगर वो चली जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि एक वही है जो आप जैसे दरिंदे का वध कर सकती है। थोड़ा बहुत समझ में तो आपको भी आ गया होगा ना आज। वो लड़की जो कायदे से अब इस घर की बहू नहीं है, वो लड़की जो हमारे राधे लल्ला की पत्नी भी नहीं, वो लड़की जिसका अब इस घर से कोई मतलब नहीं है, उस लड़की के लिए हमारे लल्ला ने व्रत रखा। उस लड़की के लिए हमारा लल्ला अपनी जान पे खेल गया। सब सोच रहे थे कि हमारे राधे लल्ला को किसकी दुआओं ने बचाया। हमारे राधे को बचाया कृष्णा की दुआओं ने, क्योंकि आज बिना किसी को बताए कृष्णा ने हमारे लल्ला के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। हमने तो यहां दो फलों की टोकरियां रखी थी, एक कहां चली गई? अच्छा, मतलब कृष्णा ने भी हमारे राधे लल्ला के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। जितनी कोशिश आपको करनी है ना, कर लीजिए, लेकिन कृष्णा आपका वध करेगी। ये हम कह रहे हैं आपसे, जितनी कोशिश करनी है ना आपको, कर लीजिए, उसे सबसे अलग करने के लिए। लेकिन हमारे राधे लल्ला और कृष्णा का रिश्ता कागज का मोहताज नहीं है। भले ही आज वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन जुड़े हैं एक दूसरे से, एक डोर से, और उसी डोर की पहली धार से आपका सर कटेगा। अरे, जिस राधे और कृष्णा को दुनिया अलग नहीं कर पाई, फिर आप क्या अलग करेंगे लंबोदर शुक्ला? उधर मुंह करिए, हम ठीक से कर देते हैं। पता है कि हम नहीं कर पाए, वो पैसों के जुगाड़ की बात कर रहे हैं।
देखिए हमें लगा कि आपके लंदन जाने के लिए कुछ पैसे जुगाड़ देंगे हम, मगर क्यों कर रहे आप ये सब? हम क्यों कर रहे हैं? बिना सोचे समझे हमेशा ऐसी उल्टी सीधी हरकत क्यों करते हैं आप? कभी छत से कूद जाते हैं, कभी लड़ने पहुंच जाते हैं, और कभी जुआ खेलने। अरे कोई कायदे का काम क्यों नहीं कर सकते आप? और आप हमारे लिए पैसों का इंतजाम क्यों कर रहे हैं? लंदन जाना ना जाना हमारी प्रॉब्लम है, इसे प्लीज अपनी प्रॉब्लम मत बनाइए। पट्टी हो गई। साला जख्म पे पट्टी बंध गई और हमें पता भी नहीं चला। साला यहाँ हम सांस भी लेते तो रायता फैल जाता है, वहां पैसे जुगाड़ने गए सब लुटा के आ गए। एकदम सही कहती है कृष्णा, साला एक नंबर के नकारा आदमी है। यहाँ कहाँ पस रहे हुए हो बे? चलो नीचे, मम्मी बुला रही है। हमें क्यों बुला रही है मम्मी जी? हमारा कुछ काम थोड़े ना भैया, नीचे हम नहीं आएंगे। ऐसे अब काय घूर रहे हैं भैया हमको? जैसे जैसे छेद कर दोगे हमारे अंदर। देखिए हम मानते हैं हमसे गलती हो गई, जुए के अड्डे पे नहीं जाना चाहिए था हमें, मगर पर भैया हम कसम खा के बोल रहे हैं, हम कृष्णा जी के लिए गए थे। तुम्हें साले 10 मार के 2 गिनना चाहिए, पर अभी मार भी नहीं सकते, भूखे पेट व्रत में जो। अरे चलो महाराज, कृष्णा ने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। उसका व्रत खुलवाओ और तुम भी व्रत खोलो अपना। चलो। इतने अच्छे कर्म नहीं किए हमने भैया, जो कृष्णा हमारे लिए व्रत रखेगी। और सही भी है ना, हमने कौन सा उनके लिए आज तक कुछ किया है जो हमारे लिए व्रत रखे। भैया वो पहले ही बता चुके हैं हमें कि उन्होंने कोई व्रत नहीं रखा है हमारे लिए, और अगर व्रत रखा ही नहीं है तो हमारा नीचे आने का क्या फायदा, हम नहीं जाएंगे। तो ठीक है, पड़े रहो, मरो ही, मतलब मातम मनाते रहो। तुम हमारा काम था बताना, हमने तुम्हें बता दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।